और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कई रास्तों पर गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। गांधी मैदान की तरफ जाने पर गाड़ियों की रोक है। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। कचहरी रोड के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों तरफ से अस्थायी दुकान हटा दी गई है। तो ये खबर, जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है पीएम के दौरे को लेकर के, ये सुरक्षा सख्त की गई है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार के बाद पीएम मोदी का झारखंड दौरा भी शुरू होगा। 28 मई को झारखंड आएंगे पीएम मोदी। राजमहल में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लिट्टीपाड़ा डिग्री कॉलेज मैदान में उनकी सभा होने वाली है। बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पार्टी ने अभी से ही तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन को लेकर के उत्साह है। जो जन कल्याण का उन्होंने काम किया है, आधारभूत संरचनाओं का जो जिस प्रकार से विकास किया है, एक आदिवासी समाज से आने वाली, संताल समाज से आने वाली देश की बेटी को उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन करने का काम किया है। निश्चित रूप से इस संथाल पढ़ना का, राजमहल लोकसभा क्षेत्र का लोगों में, खास करके आदिवासी समाज में है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार के 40 की 40 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चारों तरफ एनडीए ही एनडीए हैं। हर जगह एनडीए एनडीए है। बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। आज भी जो वोटिंग हो रही है उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, बिहार में कोई शक नहीं है। और हम तो एक चीज ये भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। पूरा बिहार इंतजार कर रहा है। पूरा बिहार मोदी 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 कर रहा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरा में चुनावी प्रचार किया और उन्हें कोइलवर के चांदी हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के समर्थन में वोट की अपील की। डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से बात करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 पार के नारे को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में पीएम मोदी की लहर चल रही है और उनकी टक्कर में कोई नहीं। चल रही है, कहीं खाता खुलने वाला किसी का नहीं है। 40 की 40 सीट एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने बेसिक चीजों को जनता तक पहुंचाने का काम किया।